खाजूवाला के पूगल में राजस्थान का सोलर हब बनने जा रहा है। इस सोलर हब से विद्युत उत्पादन होगा, लेकिन इस मामले में कंपनी की ओर से किसानों ने जबरन जमीन हड़पने का मामला सामने आया। मामले को लेकर पिछले 29 दिनों से लगातार किसान कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता सुरेंद्र मांडा ने लोगों से जायजा लिया है। वहीं आपको बता दें कि अब ये जो लोग हैं इनसे बातचीत की है और क्या कुछ खास रिपोर्ट है ये आपको दिखाते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर हब बनने जा रहा है बीकानेर के पूगल तहसील में। यहाँ पर सबसे बड़ा सोलर हब बनेगा जहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाएगी, लेकिन इस सोलर हब बनने से पहले किसानों के सामने एक बड़ा संकट भी आया हुआ है। यहाँ पर पिछले करीब एक महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी कुछ मांगे हैं, इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रशासन को भी अवगत करवाया, तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक इन किसानों ने अवगत करवाया, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। गांव के अंदर किसान है जो धरना लगाकर बैठे हैं, क्या इनकी मांग है और किन मांगों को लेकर ये बैठे हैं, बात कर लेते हैं। क्या मांगे आपकी मुख्य, किस मांग को लेकर कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? हम पिछले 29 दिनों से इस धरने पर बैठे हैं। टाटा सोलर ऊर्जा का काम जो चालू कर रखा है यहाँ पर, उसके विरोध में बैठे हैं। उसकी कोई दत्ता कंपनी है, उसने यहाँ पर ठेका ले रखा है, जमीन मोल ले रही है, किसानों की जमीन वो अनुचित तरीके से हड़प रही है। हमारी जो जमीन है उसका वो बोल रही है कि आपकी जमीन यहाँ पर नहीं है, जबकि हमारी 7 पीढ़ियों से हमारे बड़ों ने काश्त की है। हम आज कर रहे हैं मौके पर, हमारी ढाणी बनी हुई है, पेड़ पौधे हैं जिनका पालन किया है, जो और जल कुंड बना हुआ है, जो पिछले 6 महीनों में 12 महीनों में सरकार ने जल कुंड बनाया है जलगर योजना के तहत, तो उन कुंडों पर खसरा नंबर डाला हुआ है, मालिक का नाम लिखा हुआ है। आज का वहां पर मौका, पटवारी कहता है कि यहाँ पर जमीन आपकी नहीं है, आपका खेत तो कहीं और पे है, ठीक है, यही कंपनी बोल रही है। तो उसके बारे में ये काम कर रहे हैं, एंगल उंगल लगा रहे हैं, जबरदस्ती खेतों को हत्या रहे हैं और कोई सुनाई नहीं कर रहा है, नहीं प्रशासन कर रहा है, नहीं कंपनी वाले कर रहे हैं। गाँव से पहले किन किन को आपने इस समस्या के बारे में अवगत करवाया? हमने जिला कलेक्टर मोदी को दो बार अवगत करा दिया है, मैं जाकर जिला कलेक्टर कार्यालय में और संभागीय आयुक्त को भी अवगत करा दिया है। तो संभागीय आयुक्त ने हमें थोड़ा विश्वास दिया कि आप ऐसे करो, आपका मौका किसी भी हालात में मत छोड़ना। कंपनी वाले आए थे कि आप ऐसे करो, ये मौका छोड़ दो और मुआवजे के तौर पर कुछ रकम आप ले लो, और ये मौका है जगह छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हमारे गांव का सरपंच है, वो भी कंपनी वालों के साथ मिला हुआ है, गाँव के किसी की बात नहीं सुनता है वो सरपंच, जबरदस्ती काम चालू कर रखा है। गाँव के अंदर से लोडिंग बहुत भारी गाड़ियां जा रही है, कंपनी वालों ने बोला था हम बाहर से बाईपास रोड काट लेंगे, नहीं काट रहे हैं। सरपंच रात को आके गाड़ी गांव से निकाल देता है और उस जबरदस्ती से काम करा रहा है, वो भी मिला हुआ है, दलाल मिले हुए हैं, पूरा प्रशासन मिला हुआ है, गाँव वालों की कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दत्ता कंपनी ने जमीन खरीदी है वो गलत तरीके से खरीदी है इन्होंने, कि ये बॉर्डर एरिया की जमीन है। आप क्या चाहते हैं अभी, आपकी क्या मांग है, जिसका समाधान हो, प्रशासन यदि करे तो आप संतुष्ट होते हैं, यदि संतुष्ट नहीं होते तो अगला कदम क्या रहेगा? प्रशासन हमारी मांगों का सही तरीके से संतुष्ट करेगा तो हम संतुष्ट होंगे, प्रशासन संतुष्ट नहीं करेगा तो हम 26/12/2022 को टावर पर चढ़ के सारे किसान आत्महत्या करने के लिए पक्के एकदम निश्चित फाइनल बना लिया रिपोर्ट। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या मांग है, किस मांग को आप ले रहे हैं, कितने टाइम से आप इस जमीन में काबिज थे और जो जमीन अब आपसे हटने के प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे को 29 दिन हो गया बैठांगे इधर, हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं करी है। हमारी 7 पीढ़ी की जमीन है, वो जमीन धके से ये कंपनी वाले बोले आपकी जमीन इधर है नहीं, आप ये पैसे ले लो वो ले लो, तो जमीन हमारी नहीं है, तो सरकार ने कुंडी घात के दिया है, सब नाम लिखा है, कसरा लम्हर है, तो आज हमारे बोल रही है कि आपकी जमीन इधर है नहीं, हम कहाँ जाए बोलो। आप जमीन बचाने के लिए धरना पे बैठे हैं? बचाने के लिए धरना पे ही बैठे हैं हम। यदि आपका समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है, हमारा आत्महत्या करेंगे, जो जमीन ही हमारी हड़प रही है तो फिर हमारे पास इधर जीने में क्या है? जमीन में कितने टाइम से बैठे हैं पहले? हमारी 7 पीढ़ी बीत गई, 7 पीढ़ी से बैठे हैं हम तो इधर। और सरकार ने उस जमीन में आपको केसीसी या कुछ ऐसा निर्माण करवाया है क्या सरकार की ओर? सरकार ने हमारे को कुंड बना के दिया है, केसीसी भी है करावड़ी, कुंड बना के दिया है, खसरा नंबर डाल रखा है, नाव है। आज हमें दलाल बोल रहे हैं, पटवारी बोले इधर नहीं है, तो वो कल इधर थी, आज जमीन क्यों नहीं है? देखा कि अन्नदाता परेशान है, किसान जो अपनी जमीन बचाने के लिए पिछले एक महीने से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितना संज्ञान लेता है। अब फिलहाल 26 दिसंबर को एक आत्महत्या या उग्र आंदोलन की भी किसान चेतावनी दे चुके हैं।
अब देखना होगा कि किस प्रकार से इन किसानों की समस्या का समाधान होता है, कितना प्रशासन इस पर ध्यान देता है। कैमरामैन सहयोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज, खाजूवाला।